पाटिल की गवाही को अहम मानते हुए सलमान पर फैसला दिया था। वहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि गाड़ी में तब मौजूद कमाल खान की गवाही आखिर क्यों नहीं ली गई? सवाल ढेरों हैं। इन्हीं सब सवालों को तलाशने के लिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से अभिनेता सुरेंद्र बावरा और साथ ही साथ एडवोकेट धर्मेंद्र आर्या मौजूद होंगे, और वहीं बीजेपी नेता राजीव बब्बर दिल्ली से जुड़ेंगे। साथ ही हमारे लखनऊ स्टूडियो से समाजवादी कार्यकर्ता नूतन ठाकुर भी मौजूद होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम में फोन लाइन से भी कई फिल्मी हस्तियां जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम की सजा पर रोक। तो सलमान खान को फिलहाल जेल जाने से राहत मिल गई है। सलमान खान हिट एंड रन केस में सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब ये साफ हो गया है कि जब तक सलमान खान का केस हाई कोर्ट में चलेगा, वो जेल नहीं जाएंगे। पेश है रिपोर्ट। सलमान खान को बड़ी राहत, सलमान की जमानत बरकरार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत, 5 साल की सजा पर फिलहाल रोक। 15 जून को होगी अगली सुनवाई। शुक्रवार का दिन सलमान खान के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगभग 1.5 घंटे चली जिरह के बाद सेशन कोर्ट ने उनके 5 साल की सजा के फैसले पर रोक लगा दी। जज ने फैसला सुनाते ही कहा कि सलमान खुद सेशन कोर्ट जाकर सरेंडर करें और फिर बेल बॉन्ड भरकर जमानत ले जाएं। जस्टिस अभय थिप्से ने सुनवाई शुरू करते ही सबसे पहले कहा कि मुझे केस के बारे में संक्षेप में बताइए। इसके बाद उन्होंने पूछा कि इस केस में धारा 304 तो कब जोड़ी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 जून मुकर्रर की है। इस दिन हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए निर्देश देगा। इससे पहले सत्र न्यायाधीश DW देश पांडे ने सलमान को 5 साल जेल की कड़ी सजा सुनाई थी। उन्हें IPC की धारा 304 भाग 2 यानी गैर इरादतन हत्या सहित अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत दोषी करार दिया गया था। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह घटना के वक्त गाड़ी चला रहे थे। 28 सितंबर 2002 की रात को घटना हुई थी, उसके बाद से मामले में कई मोड़ आए। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली सलमान खान और उनके प्रशंसकों के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन ये राहत फौरी राहत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो सलमान खान के लिए आज बड़ा राहत भरा दिन रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि तब से लेकर अब तक, यानी कि 2002 से लेकर अब तक आखिर क्या क्या हुआ था। सलमान खान मामले में 27-28 सितंबर 2002 को क्या कुछ हुआ था, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। 27-28 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। बेकरी में काम करने वाले 4-5 मजदूर फुटपाथ पर सो रहे थे। गाड़ी के पहिए के नीचे कुचलकर एक की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मामले में सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपी बनाया गया। सुबह सलमान खान को गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। सलमान खान की सुरक्षा में सिपाही रविंद्र पाटिल तैनात था, जिसने बयान में बताया कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। सलमान के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। धारा 304A लापरवाही के चलते किसी की मौत, धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 337 अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना, धारा 338 अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सवाल आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो पूरी की पूरी चर्चा है उस पर जो मुख्य सवाल है वो क्या कुछ रहेंगे।
तो सेशन कोर्ट में कमाल खान के बयान को आखिर क्यों नहीं माना गया? दूसरा ये कि मरने से पहले पाटिल के बयान को रिकॉर्ड कराया था और उसे आखिर माने क्यों नहीं माना गया? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आप सभी दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं, फोन लाइन के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं अभिनेता सुरेंद्र बावरा जी मौजूद हैं, साथ ही साथ एडवोकेट हमारे साथ धर्मेंद्र आर्य जी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली से बीजेपी नेता राजीव बब्बर जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले धर्मेंद्र आर्य जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, 13 साल में जेल और 3 घंटे में बेल और उसके बाद 48 घंटे में जमानत, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि जो हमारे कानून की मान्यता है जी कि हर व्यक्ति जो है इनोसेंट है, यानी कि बेगुनाह है, जब तक कि जो गुनाह उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको जो है आप सिद्ध नहीं कर देते जी। अब देखिए, पहली अदालत के अंदर जो आरोप लगे वो सिद्ध भी हो गए और उसके बेसिस के ऊपर सजा भी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट अपील जो है हाई कोर्ट में जाती है और फर्स्ट अपील के दौरान जो है अगर आपका कंडक्ट ड्यूरिंग ट्रायल ठीक रहा है, आप हर डेट के अंदर पेश होते रहे हैं, आपने किसी भी प्रकार से जो है गवाहों को जो है डराने की कोशिश नहीं की, किसी भी प्रकार से प्रोसिक्यूशन की गवाही से छेड़खानी नहीं की, और आपके इस सारे कंडक्ट को देखते हुए कि आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, आप वहां से भाग नहीं जाएंगे, आप जो भी उच्च अदालत निर्णय लेगी वो आपको मान्य होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अगर कोर्ट चाहे तो जो है मुलजिम की जो है जमानत उसको रिहा किया जा सकता है और उसके जो है जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन धर्मेंद्र जी, देखा जाए तो आम आदमी के लिए इतनी जल्दी बेल मिलना मुनासिब नहीं है, क्या ये कहा जाए कि कानून जिसके लिए, कानून को जो अफोर्ड कर सकता है उसी के लिए कानून बना हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए भारत में इतनी जल्दी बेल मिलना मुनासिब नहीं है, संभव नहीं है इतनी जल्दी मिलना। देखिए, दरअसल बात यह है कानून तो सबके लिए एक जैसा ही है और कानून की नजरों में हर व्यक्ति, चाहे वो सेलिब्रिटी है या एक आम आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है जी। या फुटपाथ पे सोने वाला है, वो सारे के सारे इक्वल हैं, किसी भी तरह से उनके अंदर किसी भी तरह से असमानता से उनको नहीं देखा जा सकता। जहां तक रही बात सलमान खान की जी, उनके वकीलों की टीम जो है उन्होंने काफी अच्छा प्रॉम्प्ट जो है एक्शन लिया। देखिए, दरअसल बात यह है, परसों की ही बात थी जिस समय सेशन कोर्ट के अंदर ये सब मामला चल रहा था, तो वहां पर जो है हाई कोर्ट के अंदर भी उनके एक जो है वकीलों की टीम बिल्कुल तैनात थी, पूरी तैयारी के साथ थी और उनको ये पता था कि कन्विक्शन हो गई है और सेंटेंस पे जैसे ही बहस शुरू हुई उन्होंने अपनी सारी अपील की तैयारी और एप्लीकेशन वगैरह तैयार करके जी, जी। जो रखी हुई थी उसको पहले ही कोर्ट के अंदर लगा दिया जी। धर्मेंद्र जी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर सलमान की दलीलों की वजह से उन्हें बेल नहीं मिली थी, टेक्निकल फॉल्ट बताई गई थी, बिजली नहीं थी, इस वजह से ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंच पाई, अगर मैं गलत नहीं हूं? नहीं, वो तो बात ठीक है जी। देखिए, दरअसल कानून जो कहता है, कानून ये कहता है कि जिस समय आप किसी व्यक्ति को सजा देते हैं तो जजमेंट की कॉपी उसी टाइम तुरंत ही आप मुहैया कराएंगे। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जैसे ही वहां पर सजा का आदेश हुआ उसके साथ साथ ये कोर्ट की ड्यूटी हो जाती थी कि वो जो जजमेंट की कॉपी है और सजा की जो ऑर्डर है उन दोनों की कॉपी जो है उसी टाइम जो है सलमान खान को दी जानी चाहिए थी। चाहिए बिजली चली गई, क्या भी हालात रहे, कैसे भी हालात रहे, ये अगर उनको वो चीज नहीं प्रोवाइड की गई, वो डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाए तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। बिल्कुल, पूरा पूरा फायदा। ये सवाल मैंने, बिल्कुल ये सवाल धर्मेंद्र जी मैंने इसलिए भी पूछा है क्योंकि ये सवाल आज उठा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में खुद ये जज ने बोला है कि कहीं गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की गई बेल के पूरे मामले में। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ सुरेंद्र बावरा जी अभिनेता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, इस देश में यानी कि भारत में जो अभिनेता है उसे भगवान की तरह माना जाता है, भगवान की तरह पूछते हैं, शायद मैं गलत नहीं हूं इस मामले में भी, लेकिन आज जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, सलमान खान को जमानत मिल गई, पता नहीं आज खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए। खुश इसलिए कि भाई सेलिब्रिटी हमारे देश के इतने बड़े जो अभिनेता हैं उन्हें जमानत मिल गई, और दुखी इसलिए कि एक गरीब आदमी जिसने अपनी जान खो दी, 4 लोग घायल हो गए थे उसमें और 13 साल लग गए, खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? नहीं, देखिए बेसिकली जो बात है, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है जी। 4 लोग हैं फुटपाथ पर सो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि पुलिस को ये देखना चाहिए था कि फुटपाथ पर लोग क्यों हैं,
जब शेल्टर होम बने हुए हैं तो उन्हें वहां होना चाहिए। सुरेंद्र जी, फिर भी सुरेंद्र जी, इस देश में फुटपाथ पे लाखों जनता सोती है। जो आप शेल्टर की बात करें, दिल्ली में भी कई बार शेल्टरों की बात होती है, लेकिन गरीब जनता जानती है कि वो अपना जो गुजर बसर है वो कैसे कर रही है। देखिए कारण क्या है, इस देश की अगर डेमोग्राफी को देखा जाए जी, तो यहाँ आज भी जो 35% लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि वो लोग जिनको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, तो घर की तो बात ही दूर रही। अब जिन लोगों को खाना ही नसीब नहीं होता, जो जो है रोजगार की तलाश में जो है बंबई जैसे शहर के अंदर आए हैं, अगर वो मान लो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो फुटपाथ पे सोना कोई गुनाह नहीं है। सुनील जी, बिल्कुल सुनील जी, आपने बोला कि जो फुटपाथ पे सो रहे हैं उन्हें वहां पर नहीं सोने देना चाहिए, आखिर वो जाए तो जाए। अभिजीत भट्टाचार्य आपको याद होगा, गायक है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि सड़क तो कुत्तों के लिए होती है, वाहनों के लिए, वहां पर अगर सोएंगे तो कुत्ते की मौत मरेगी। लेकिन मैं अभिजीत की बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो फुटपाथ है वहां पर पुलिस को भी देखना चाहिए। यहाँ सलमान खान की बात नहीं है, यहाँ एक आम आदमी भी अगर गाड़ी चलाकर आ रहा है, सामने से अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसकी वजह से अगर ये हादसा हो जाता तब हम क्या करते? वो एक्सीडेंट होता, वो एक दुर्घटना होती, ये भी। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर जो है, देखिए दरअसल एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ ड्राइवर जो है उसने शराब पी हुई है और उसके पास जो गाड़ी है वो इतनी हैवी पावर की है, और विदाउट लाइसेंस, एक और करने वाली बात, विदाउट लाइसेंस उसे जो है, देखिए जो जितना ज्यादा पावर की गाड़ी रखता है, जितना ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी रखता है, उसको उतनी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके जरा से एक्सीलेटर देने से क्या हादसा हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से वो शराब के नशे में गाड़ी को चलाते हुए ले जा रहे थे, तो उनको पता था, इस बात का ज्ञान था कि मेरे ये जो एक्शन है, जो मैं एक्ट कर रहा हूं, यानी कि गाड़ी तेजी से चला रहा हूं, इससे कुछ ऐसा हादसा हो सकता है, किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तभी जो है उनको गैर अरादतन हत्या के अंदर जो है जी सजा मिली। जी बिल्कुल, सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। जी आप जी मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे आप चला रहे हैं चाहे मैं चला रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो। जी हम नहीं चाहते कि सामने अगर हमारे कोई भी आ जाता है, कोई पक्षी आता है या जानवर आता है, हम नहीं चाहते कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो। जी लेकिन वो घटा, वो दुखद था जो घटा, उसके लिए सब लोगों ने कहा कि दुखद है। लेकिन उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं वो ये कहना चाह रहा हूं कि हमें भी ये देखना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए, हमारी पुलिस प्रोटेक्शन को ये देखना चाहिए कि कम से कम ऐसी जगह जहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं वहां पर सेफ्टी के साथ रहा जाए, रखा जाए लोगों को। सुरेंद्र जी, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं। चलिए आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ राजीव बब्बर जी, नेता बीजेपी जुड़े हुए हैं। राजीव बब्बर जी, आप क्या कहेंगे? आप भी पूरी चर्चा को सुन रहे थे, सलमान खान को आज जमानत जरूर मिली है, आपका पहला कमेंट। देखिए इस देश में हम सब लोग न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं जी, और न्यायपालिका जिस तरीके से भी काम कर रही है, जो भी वकीलों ने वहां पर अपने आर्गुमेंट्स दिए, जो भी फैसला दिया जी, मुझे लगता है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर है कि देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जी, और उन सब घटनाओं के प्रति हम उतने सेंसिटिव नहीं रह पाते, क्योंकि एक सेलिब्रिटी इसमें इन्वॉल्व है जी, इस कारण से इस पर चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन बेसिक मुद्दा आपके बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी इन्होंने भी उठाया कि ये इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी सड़कों पर लोग सोते हैं और उनको शेल्टर नहीं मिल पा रहे, वो कहीं ना कहीं जहां लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है, ये एक बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन हम सब लोगों को देश की न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका हमेशा सही काम करती है। राजीव जी, शेल्टर नहीं है तो क्या गरीब जनता फुटपाथ पर नहीं सोती? क्या इसका लाइसेंस भी अब गरीब जनता को बनवाना पड़ेगा कि जी हाँ हमारे पास लाइसेंस है तो हम फुटपाथ पर सोएंगे, वरना नहीं पुलिस उठा के ले जाएगी? मैंने ये नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश के हर आखिरी नागरिक तक सरकारी सुविधा शेल्टर पहुंचना चाहिए, ये हमारे लिए एक बड़ा काम है, सब लोगों को मिलकर इसमें लगना चाहिए, ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को फुटपाथ पे सोने का अधिकार नहीं है। जी चलिए, हमारे साथ धर्मेंद्र आर्य भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं। धर्मेंद्र आर्य जी, आप जरा टेक्निकल पॉइंट पे आ जाते हैं, जिस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम रहा, ये यूं कहें कि 6 मई से जिस तरीके से पहले तो 5 साल की उन्हें जेल हुई, उसके बाद उन्हें तुरंत बेल भी मिल जाती है, और यहां तक ये भी कहा जा रहा था कि आज अगर उन्हें उनकी खारिज हो जाती याचिका तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनके वकील थे, सलमान खान के जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, उनकी पूरी की पूरी फौज तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें जमानत मिल गई। अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जो उसका कांस्टेबल था उसके सवाल पर, उसकी जो गवाही पर भी अब सवाल उठाए हैं सलमान खान के वकील ने। देखिए दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से
उसका जो बॉडीगार्ड थे, जो वो पुलिस वाले थे, जिसके बेसिस के ऊपर जो है पाटिल के स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हुई है जी। क्योंकि एफआईआर जो है एक कॉरोबोरेटिव डॉक्यूमेंट है, जहां आई विटनेसेस ने जो बात कही है एफआईआर के अंदर जो लिखी हुई है वो उसको के साथ में अगर कॉरोबोरेट होता है तो उसको कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो पुलिस के पास सबसे पहले पहुंचती है कि क्या हादसा हुआ है, और वहां पर पुलिस वाला पहुंचने के बाद जो है घटनाक्रम को देखता है कि क्या जुर्म हुआ है और किस व्यक्ति ने किया है, और वो सारा का सारा जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के रूप में जो है थाने के अंदर रजिस्टर होता है, और उसको जो है बॉडीगार्ड की इंफॉर्मेशन पर जब ये एफआईआर दर्ज हुई और उसके बेसिस पर जो है उसकी गवाही को जो है मद्देनजर रखते हुए भी इस पर जो है सजा रखी गई है। और बाकी ऐसा ही नहीं कि खाली जो है उसकी गवाही थी, लेकिन बाकी भी बहुत सारे गवाह थे जो आई विटनेसेस थे, जिन्होंने खुद जो है सलमान को गाड़ी से उतरते हुए देखा है एक्सीडेंट के फौरन बाद, और जिन्होंने वहां से सलमान को भागते हुए देखा है, और जिन्होंने बताया है कि उस समय सलमान नशे में थे और किस तरीके से सारा हादसा हुआ है। इस पूरे मामले में कई पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस मामले में हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के मेनन से बातचीत की है, आपको वो सुनवाते हैं। खान के 5 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हमारे साथ बार काउंसिल के अध्यक्ष के मेनन जी हैं। मेनन साहब, जिस तरह से रोक लगी है, कहीं ना कहीं समाज में संदेश यही जाएगा कि सेलिब्रिटी है और उनको जेल नहीं जाना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता। कानून की निगाह में छोटा बड़ा अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, और उन्होंने ये सेंटेंस जो सस्पेंड करी है वो टिल फाइनल डिसीजन ऑफ दी अपील किया है, और अपील भी उन्होंने जुलाई में फिक्स कर दी है। उसकी डे टू डे भी हो सकती है, जो भी होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शनल केस है, पहले भी होता रहा है, और ये व्यू है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे तो, मैं तो पहले भी कई चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि सस्पेंड होनी चाहिए। लेकिन इतना समय आखिर क्यों लग जाता है एक का फैसला आते आते? ये न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके लिए जिम्मेदार अकेले न्यायालय ही नहीं है, उस प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, लॉयर्स हैं, समाज है, समाज में गवाह हैं, पुलिस है, जहां तक क्रिमिनल ट्रायल की बात है, और बहुत से विंग हैं यहां पे लॉन्ग ट्रायल के लिए जिम्मेदार लोग हैं, और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज समाज में, खासकर भारत में, के लॉन्ग ट्रायल बड़ी लंबी लंबी डेटें, आप देखेंगे लाखों केसेस ट्रायल कोर्ट के आगे पड़े हैं, जजेस की नियुक्ति, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो उठाए जा सकते हैं। टिप्पणी कर दूंगा किस वजह से ये लॉन्ग ट्रायल हुआ इस केस में, लेकिन हाँ ट्रायल थोड़ा लंबा हुआ है, ये बात माननीय है। अब सलमान खान के पास क्या क्या सूरत बचती है? उनकी डिफेंस लॉयर्स की टीम जो है वो इसी ग्राउंड पे आर्ग्यू करेंगे कि एक तो 304 पार्ट 2 आईपीसी बनता नहीं है, मैक्सिमम एक्सीडेंट का केस है, और एक्सीडेंट का भी है अगर है तो क्या एक्सीडेंट सलमान खान ने मारा है, किया है या नहीं किया है, उसके लिए किस प्रकार की एविडेंस आई है, क्योंकि मैंने एविडेंस पढ़ी नहीं है, और ये खाम खामे मैं इस चीज पे टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा और करनी किसी को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक आदमी की जिंदगी का सवाल है, ये प्रोसिक्यूशन का दायित्व है कि प्रोसिक्यूशन का केस किस तरह से वो अदालत में रखते हैं। कोई लंबी चौड़ी बात होती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन में हो जाते हैं, और जो माइनर एक्सीडेंट्स है एट द स्पॉट मोबाइल कोर्ट्स होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन एनीवे उसका काम तो वो तो लेजिस्लेचर ने सोचना है। लेकिन इस केस में भी अब क्योंकि अपील ही आर्ग्यू होनी है, इसमें लंबा समय अब नहीं लगेगा। तो साफ है जो फैसला है वो हाईकोर्ट सुनाएगा, फिर चाहे वो सजा को बरकरार रखे या सलमान खान को बेल दे, लेकिन यकीनन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि सजा में इतनी देरी क्यों हो रही है। चलिए फिर तो ये साफ हो गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में इतना समय नहीं लगेगा जितना कि सेशंस कोर्ट में लगा था, 13 साल बहुत होते हैं। हमारे साथ फिलहाल नूतन ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता भी लखनऊ से जुड़ेंगे अभी बस कुछ ही देर में। हालांकि एक कॉलर है, एक दर्शक है, वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मैं सुदीप चौधरी बोल रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि सलमान खान को बेल मिली और वो बरी हुए हैं, और होना भी चाहिए था। जिस प्रकार की सलमान खान चैरिटी करते हैं और जिस हिसाब से वो गरीबों की मदद करते हैं, ये उनकी दुआएं हैं जो आज सलमान खान बरी हुए, और मैं चाहता था ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि
सलमान खान को सजा मिलने से अब्दुल्ला शेख को कोई फायदा नहीं होने वाला, सलमान खान उनकी मदद कर रहे हैं उनके आगे आने वाली लाइफ में, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए अलग अलग दलीलें हैं, हालांकि जो सलमान खान के फैंस हैं वो बेहद खुश हैं, लेकिन जो दलीलें सलमान पक्ष की तरफ से दी गई हैं, साथ ही साथ जो सरकारी पक्ष की तरफ से सरकारी वकील द्वारा दी गई है वो बेहद अलग है, क्योंकि सलमान खान के पक्ष में दरअसल ये कहा गया है कि आखिर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, चार लोग मौजूद थे ये कहा गया है सलमान खान के पक्ष की तरफ से, लेकिन अगर सरकारी वकील के पक्ष की अगर बात यहां पर देखी जाए तो उन्होंने कहा है कि तीन ही लोग मौजूद थे, यानी कि सलमान खान के जो वकील हैं उनका कहना है कि जो अशोक सिंह जो कि ड्राइवर था उसने दरअसल ये एक्सीडेंट किया था, और अचानक से जब अशोक सिंह प्रकट हुए हैं उसके बाद से जो पूरा का पूरा मामला है वो एक अलग ही मोड़ ले लिया है, लेकिन सरकारी पक्ष का लगातार ये कहना है कि अब जब की जो रविंद्र राय माफ कीजिएगा जो रविंद्र पाटिल हैं वो उसकी जो बयान था उस पर आखिर क्यों गौर नहीं किया जा रहा। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। नूतन ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नूतन जी पहला कमेंट, आज जिस तरीके से सलमान खान को जमानत मिली है आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए मैं यही कहूंगी इस पे कि काश भारत का जो हर नागरिक है वो इसका भाग्यशाली होता जी, जिसपे जिस तरीके से इस पूरे मामले में बेल मिली, जितनी जल्दी मिली और अब भी बेल मिली उससे कोई बुराई नहीं है, हर नागरिक को ये अधिकार है दिया गया है कानून के द्वारा जी, कि अगर निचली अदालत सजा देती है और वो उससे संतुष्ट नहीं है, उससे कहीं भी लगता है कि उसकी बात अनसुनी रह गई है तो वो उन चीजों को लेकर ऊपरी अदालत में अपील करती है, वहाँ बेल का प्रावधान है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जो चर्चा का विषय भी है, जिस तरीके से जब पहले सजा सुनाई गई उसके बाद जब ऑर्डर भी नहीं आया था बिल्कुल और बेल दी गई, तो ऐसी प्रक्रिया तमाम बार होती है, ये सहूलियत हर आदमी को होनी चाहिए कि अगर जजमेंट नहीं आता तो उसको भी तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाए। और ज्यादा जो चीज जो इस चीज को दिखाती है कि अगर कहीं ना कहीं जो न्याय प्रणाली में भी अगर आप सक्षम है ताकतवर बड़े वकील कर सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है, लेकिन वो आदमी जो उतना सक्षम नहीं है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें होती है वास्तव में न्याय पाने में। जी बिल्कुल, राजीव बब्बर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी हैं। राजीव जी आसाराम के अगर केस को ले लिया जाए, आसाराम ने ये कहा है कि सलमान खान तो सजा याफ्ता है उसे जब बेल मिल सकती है तो फिर मुझे क्यों बेल नहीं मिल सकती, मेरे पास तो मैं तो सिर्फ आरोपी ठहराया गया हूँ बस। ये सवाल मैं आपको इसलिए भी बता देती हूँ, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्होंने ये कहा था कि मैं आसाराम का केस लड़ूंगा विदाउट फीस, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा है। देखिए ऐसा है कि मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है जी, न्यायालय जो फैसला करता है वो ठीक करता है, और आसाराम जी के भी केस में, बापू जी के भी केस में जो भी न्यायालय कर रहा है मुझे लग रहा है कि उनके भी वकील उचित दलील दे रहे होंगे और जो भी न्यायपालिका कर रही है वो ठीक ही कर रही है। और वैसे भी मुझे लगता है कि हम सब लोगों को देश की न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश का एक पिलर है। और जैसे अभी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता नूतन जी ने एक बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर डिफेंस की जो टीम है उस पर अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेट किया जा रहा है जो कि उनकी पर्सनल मैनेजमेंट का हिस्सा है और उन्होंने इफेक्टिवली अपना पॉइंट रखा है और कोर्ट तक वो अपना पॉइंट पहुंचाया है और उसके कारण अगर उनको कोई लाभ मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी लोकल मैनेजमेंट या उनकी टीम की क्वालिटी है कि उन्होंने न्यायपालिका को अपनी बात कह दी। लेकिन अंततः इस देश में जो न्यायपालिका है हमने इतने वर्षों में देखा है मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं और हमेशा ये ध्यान में आता है कि न्यायपालिका ठीक फैसले करती है और हम सब लोग उसको मानते भी हैं, तो मुझे लगता है हमें यकीनन उस पर विश्वास करना चाहिए। और जो हमारे देश का कानून व्यवस्था कहती है कि जब तक कोई प्रूफ नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है वो तब तक गिल्टी नहीं माना जाना चाहिए, ये हमारा मूल सिद्धांत है, उस सब पर भी हमको विश्वास रखना चाहिए। मुझे लगता है न्यायपालिका ठीक ही काम करेगी इस केस में भी।
जी, लेकिन यही तो पेच अटका हुआ है सर, यहाँ पर ही तो पेच अटका हुआ है कि एक जो कोर्ट है सेशंस कोर्ट है वो 5 साल की सजा सुनाता है और दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट है वो उस सजा पर रोक लगा देता है और उसे जमानत दे देता है। यही तो पेच पूरा अटका हुआ है। हमारे साथ सुरेंद्र बावरा जी भी जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं। सुरेंद्र जी, सेलिब्रिटी होने का फायदा है नुकसान है इस केस में, चलिए इसमें बता दें। देखिए यहाँ तो नुकसान ही है जी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सलमान खान सिर्फ शोर इस बात का है कि सलमान खान है, अगर यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति भी होता उसके साथ इस तरह का एक्सीडेंट होता तो ये बेनिफिट उसको भी मिलते, अगर वो इस काबिल होता, अगर वो वकील। सर मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2.5 लाख अंडर ट्रायल ऐसे केसेस हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है, उनकी तो डेट्स तक नहीं आ रही है, अभी भी वो जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इस देश में इतना बुरा हाल है यहाँ पर। अंजलि जी, अभी आपने कहा 13 साल लग गए जी, तो 13 साल तो सलमान को भी लगे ना, मेंटल लेवल पर वो भी परेशान रहे, उनको भी दुख हुआ कि 13 साल से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भुगता तो सलमान नहीं भुगता ना जी। लेकिन यहाँ पर सलमान को सिर्फ ये नुकसान हो रहा है कि वो सलमान खान है, वो सेलिब्रिटी है, इस बात का उन्हें नुकसान हो रहा है कि अंत में आके फायदा मिला, अंत में आके फायदा नहीं मिला, नहीं फायदा टेक्निकल फॉल जो था वो टेक्निकल फॉल था उसके उसको उनको फायदा मिला है, अगर यहाँ दूसरा व्यक्ति होता उसको भी फायदा मिलता जी, सलमान को थोड़ी मिला। जी धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। क्या है कि आम आदमी और सेलिब्रिटी में यही एक फर्क है, क्योंकि सेलिब्रिटी के पास पैसे हैं, उसके पास अच्छे कानून को जानने वाले एडवोकेट्स हैं और सारी टीम अच्छी है और उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी टीम के हाथों में है और इस वजह से जो है उनको रिलीफ मिलता चला गया। लेकिन ये कह देना कि वो रिलीफ के हकदार नहीं थे, ये बात गलत होगी जी। क्योंकि दरअसल बात यह है, हमारा कानून ये कहता है कि अगर निचली अदालत ने आपको सजा कर दी है और आप उस सजा को चैलेंज करते हैं हायर कोर्ट के अंदर, तो जब आप वहां जा करते हैं और उसमें जो है आप हायर कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी सजा सस्पेंड कर दी जाए क्योंकि मेरी अपील में पूरे दम है और ड्यूरिंग ट्रायल मेरा जो कंडक्ट रहा है वो काफी जो है पॉजिटिव रहा है, मैंने पूरे जो है अदालत के जिस तरीके से आदेश दिए गए उनका सम्मान किया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये तो सलमान खान है, चाहे एक आम व्यक्ति भी हो, अगर उसके पास भी अच्छे एडवोकेट्स की टीम है उसको भी इतना रिलीफ मिलता। वहां पर जहां तक बात थी टेक्निकल फॉल्ट की, टेक्निकल फॉल्ट किसी के भी केस में होता उसको ये रिलीफ मिलता। दूसरी बात जहां तक बात है कि एक गरीब आदमी है जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि सेलिब्रिटी और गरीब आदमी, गरीब आदमी के लिए भी ऐसा है कि न्याय व्यवस्था के अंदर लीगल एड का प्रोविजन है जी, और वहां पर भी जो है अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसको जो है लीगल एड का। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बॉडीगार्ड कांस्टेबल था रविंद्र पाटिल वो झूठा था, चलिए इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। मंच के अगर कोई निर्णय लिया है तो कोर्ट का फैसला है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और जो है वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन किया हुआ है कि 7 साल तक की जो सजा होती है उसमें जो है हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है जमानत देने में, तो सोच के उन्होंने कुछ जमानत दी है तो फिर ठीक है, कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना चाहिए। नूतन ठाकुर जी से भी हम इसी का जवाब लेंगे। फिलहाल आबर सिंह जो कि वरिष्ठ वकील है उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। सलमान खान एज अ कॉन्विक्ट को बेल हो ही नहीं सकती, सस्पेंशन होना था, तो इस लीगल जो लैक्यूना रहा है इस ऑर्डर में इसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और खुशी की बात है कि इसकी जो गलती है सुप्रीम कोर्ट सामने ऑन बोर्ड लाएगा। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नूतन जी आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से धर्मेंद्र आर्य जी ने भी यह बात कही है कि जो जिस पर केस चल रहा है जैसे सलमान खान है उन्होंने जरूर उन पर ये जो केस है वो जो दोषी पाए गए हैं लेकिन उसके बाद उनका जिस तरीके से उन्होंने सहयोग किया है पूरे मामले में उसको भी देखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जितना समय लगा इस पूरे केस को चलने में एक्सीडेंट सही बात है कि सलमान खान ने जानबूझ के नहीं किया होगा, ये है उन पे जो आरोप लगे साबित नहीं हुए, नशे में गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। हमारा लॉ ये कहता है कि ऐसा आचरण आपका जो आपको पता हो कि उससे बिना अगर आप वो काम करते हैं और उससे किसी को हानि पहुंचेगी तो वो अपराध है, और सलमान खान के ऊपर भी यही आरोप सिद्ध हुए कि एक तो पहले उनके पास लाइसेंस नहीं था, दूसरी गाड़ी चला रहे थे शराब पी के, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सीडेंट भी हुआ गाड़ी तेज रफ्तार रही होगी जितने लोग कुचले गए, अगर उनका इरादा नहीं भी था उसके बाद जो उनका कंडक्ट होना चाहिए था, अगर एक्सीडेंट हुआ भी तो उन्होंने उसके बाद क्या कोशिश करी, क्या उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया,
क्या किया, उसके बाद अगर आज आप ये दलील देते हैं कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, काफी लोगों की मदद की है, तो इससे उनका वो अपराध कम नहीं हो जाता है, क्योंकि वो 13 साल पहले की घटना थी। हर व्यक्ति में बदलाव आता है, वो घटना 13 साल पहले की आज थी, इससे आज, चूंकि अगर उसी समय जल्दी ट्रायल होता, फैसला आया होता, तो आज जो हमदर्दी सलमान खान जी को मिल रही उतनी हमदर्दी शायद नहीं मिलती। जो हमारे यहाँ कहा गया है कि देर से अगर न्याय होता उसका अर्थ खत्म हो जाता, शायद इस डिबेट में भी हम नहीं बैठे होते। अगर समय से इसका फैसला हुआ होता तो ये सहानुभूति कोई इस बात की चर्चा नहीं करता कि जो लोग मारे गए, पीड़ित हुए, इसमें घायल हुए, उनकी क्या स्थिति है, क्या हुआ, उन्हें भी न्याय पाने का उतना ही अधिकार था। सिर्फ इससे उनकी बात नहीं हो रही है। सलमान खान जी को सजा मिली, बेल मिला, ये ठीक है, एक प्रोसीजर है, लेकिन जितने आनंद पालन मिला, हमारे यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया है, आज पुलिस चाहे किसी को भी बंद कर दे, किसी अपराध में वो साबित नहीं हो, केवल आरोप मात्र पे सालों साल व्यक्ति जेल के अंदर बंद रहता है। वहाँ अगर एक अदालत ने सजा तय कर दी हो, उसके बाद अगर आप बाहर है तो ये बड़ी बात है। अगर इतना ही है तो होना चाहिए, आप जब तक अदालत सजा तय नहीं करे, आप अरेस्ट के प्रोविजन को ही खत्म कर दीजिए। कोई व्यक्ति गिरफ्तार न हो तब तक उसको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार हो, तब तक तो बात समझ में आती है। जिस तरीके से अभी चर्चा के दौरान कही गई, कुछ दिन पहले एक गवाह ड्राइवर पेश हुआ जिसने ये कहा कि गाड़ी वो चला रहा था, जिससे कोर्ट ने उस दलील को नहीं माना, तो और क्या किया जा सकता। टैंपरिंग तो वही हो जाती जब आप गलत गवाह खड़े करते हैं जिसको कोर्ट ने नहीं स्वीकार किया, ये कहा कि उनके द्वारा पेश किया गया गवाह। नूतन जी, गवाह तो और भी बहुत है, बिल्कुल गवाह तो और भी बहुत है, कमाल खान उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जनता का क्या कुछ कहना है इस पर, इस फैसले पर, और खासकर क्या कुछ खुशी उनमें है इस फैसले के बाद, वो आपको सुनवाते हैं। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ये ही ऐसा है, मतलब इसमें डेट मतलब पोस्टपोन करते रहते हैं केसेस को। हालांकि हर इंसान के पास ये एक अपील का होता है, हाईकोर्ट लाइक सेशन ने भी है, तो हाईकोर्ट के पास अपील का है, वो बात ठीक है। बीइंग ह्यूमन ये जो संस्था है ये शुरू हुई थी आफ्टर दिस इंसिडेंट, तो इसका मेन मेरे हिसाब से उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो अपना इमेज बिल्ड कर पाए, एक अच्छा इमेज ला पाए, कि इतने सारे लोगों को उन्होंने जिंदगी जरूर बचाई होगी, अच्छे काम किए होंगे, बट देन कुछ लोग जो मरे हैं उनका तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसका मतलब तो यही हो गया कि लाइक अगर मतलब कोई मर्डर हो जाए, हिट एंड रन केस में हो जाए, तो मैं जाऊँ ऑर्फनेज की दर, मेरे को ऑर्फनेज बताओ, मेरे को पैसे डोनेट करने हैं। वैसा ही काम हुआ है ये भी कि उन्होंने मार दिया, पहले उनसे कुछ इंसिडेंट हो गया हिट एंड रन का केस, उसके बाद ही इज लाइक कि मेरे को एक फाउंडेशन बनानी है टू हेल्प द पुअर पीपल। अब लग रहा है कि सलमान खान को सजा मिली, बट खुशी इस बात की कि लॉ पहली बार तो कुछ अच्छा कर रही है, मतलब जस्टिस हो रहा है कहीं, 13 ईयर्स आफ्टर पर जस्टिस तो हुआ ना, भले वो हमारे हीरो हैं, बट कुछ भी हो पर क्राइम क्राइम है, सबके लिए इक्वल है, राइट सबके इक्वल है। लॉ उसमें हमारा मतलब इंडियन लॉ सबसे मतलब उसमें ज्यादा सुधार की जरूरत है, मतलब 13 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है। प्लस पॉइंट सेलिब्रिटी भी है, प्लस पॉइंट उनका ये भी है कि वो एक अच्छे इंसान भी है, कि ही डिड सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू आई मीन एनजीओ। और मैडम ये तो हमारे देश का कानून ही ऐसा है, जो जेल में गया था वो भी बाहर ही घूम रहा है, संजय दत्त तो बाहर ही घूम रहे हैं, तो ये तो हमारे कानून का फ्लॉ है कि हम ये सब करते हैं, नहीं मिलना चाहिए उनको, सजा मिलनी चाहिए। जो हाईकोर्ट ने पहले डिसाइड किया था कि 5 ईयर्स की है तो 5 ईयर्स मिलना चाहिए उनके। हमारा भारत देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे सबके लिए जिन लोग जो लोग मारे गए थे, तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट कोर्ट ने जो उनके लिए डिसीजन लिया है, एज अ सेलिब्रिटी हो सकता है थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, बट देन पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। सजा तो सजा होती है, चाहे एक सेलिब्रिटी को चाहे आम इंसान को। उन्होंने गलत किया था, उन्होंने खून किया था, उनसे जो भी हुआ, पर वो बहुत ज्यादा गलत था, उन्हें बहुत ज्यादा लेट सजा हो रही है, पहले ही हो जानी चाहिए थी, बट हमारा जस्टिस हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। धर्मेंद्र जी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, खुशी है, कहीं कहीं गम भी जरूर है, चलिए बात उस पर भी करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस 13 साल बाद मिला लेकिन फिर पलट गया और डिनाइड हो गया, कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पर कि आखिर जस्टिस मिला है या नहीं मिला है। देखिए दरअसल बात यह है, यहाँ कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है जी, मामला पूरी तरह से स्पष्ट है कि देखिए जो कानून है कानून के अनुसार ही उसे कार्य करना है। जिस तरीके से हमारा जो है सीआरपीसी जो है अपील का राइट देता है जी, तो अपील तो बनती है, जब अपील देती है का राइट है तो उसके साथ साथ जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का भी राइट है जी। जब वो सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस खत्म नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि यहाँ जिस तरीके से एक हमारी जो है महिला
प्रतिक्रिया दे रही थी तो वो ये कह रही थी कि इनजस्टिस हुआ, ये गलत बात है। देखिए दरअसल बात ये है, ये दरअसल सेंटेंस जो कोर्ट ने दी थी, जो कन्विक्शन जो है उसको भी अभी स्टे कर दिया गया है, जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया कि भाई जब तक ये अपील की सुनवाई होती है तब तक इनको जेल ना भेजा जाए। और अगर मान लो अपील की सुनवाई के बाद कोर्ट इस निर्णय पर आता है कि नहीं, जो निचली अदालत ने निर्णय लिया है वो सही है, तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अभी से जो मामला कोर्ट के अंदर लंबित है उस पर हमें किसी तरह से ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए जिन कमेंट के करने से जो है कोर्ट की अवमानना, मैं तो कहूंगा कि कोर्ट की अवमानना बनती हो। जी। और जैसे कि हमारी सरकार अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रही है, जिस तरीके से हमने जो 2 करोड़ से नीचे वाले मामले हाई कोर्ट से देकर जिला कार्यालयों में जिला अदालतों में भेजे हैं, उसके कारण से एक इफेक्टिवनेस हाई कोर्ट में भी आएगी जहां पर सारे बड़े मामले आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो सरकार जो काम कर रही है न्यायपालिका को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उससे ओवरऑल एक बेनिफिट होगा। लेकिन सलमान के केस को हम बिल्कुल एक्सक्लूसिव स्टडी नहीं कर सकते। और साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि न्यायपालिका पे यकीन रखना ही चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनको लोग सोचते थे कि कभी कानून उनको पकड़ेगा नहीं, उनकी गर्दन पर हाथ नहीं डाल सकता, आज वो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, जेलों के पीछे बैठे हैं। कि न्यायपालिका की खूबी है और न्यायालय की खूबी है, हमारे देश के सिस्टम की खूबी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भी जो भी कुछ हो रहा है उसके हर स्टेप पर हम अगर हम उसको छेड़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में हम कुछ कमेंट देंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। एक सिस्टम है जो चल रहा है और न्यायपालिका मुझे लगता है कि जो भी कर रहा है, जैसे अभी हमारे उन्होंने भी बताया वकील साहब ने कि भी न्यायपालिका जो भी कर रही है वो अपने प्रावधानों के बीच में रहकर कर रही है, अपनी चद्दर में रहकर काम कर रही है। तो मुझे लगता है पक्का इस केस में भी न्याय मिलेगा और सच जो है वो सामने आएगा। निचली अदालत ने जो भी कहा है, किसी भी आदमी को, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसको ऊपर की अदालत में जाने का अधिकार है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं जाती, हर आदमी का अधिकार है। और ये भी बात है, कुछ लोग नहीं हाई कोर्ट पर जा सकते, उसके कारण से उनको उस फैसले को स्वीकार करना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोर्सेज के ना होने के कारण, रिसोर्सेज के ना होने के कारण जेल में बैठे हैं, ये भी सच है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक सिस्टम को इम्प्रूव करने का जो काम सरकार ने करना शुरू किया है उसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन सलमान के एक्सक्लूसिव केस में मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है न्यायपालिका जो भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, ठीक कर रही है। लेकिन एक बात तो काबिले तारीफ होगी कि शायद पहली बार इस तरीके से तेजी से हमने काम होते देखा है, क्योंकि पहले एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन तारीख मिल नहीं पाती, लेकिन इस केस में उसका उल्टा हुआ है। चलिए, फैशन डिजाइनर संजना जॉन से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी ने, वो सुन लेते हैं। शहनाज रजा ने बात की है, वो हम सुन लेते हैं। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन जी। आइए उनसे जानते हैं कि सलमान खान के हिट एंड रन केस में उनका क्या कुछ कहना है। संजना जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से ये मामला इतने साल से चल रहा है, 13 साल से सलमान खान का हिट एंड रन का मामला चल रहा है, मतलब बात अभी करें जिस तरीके से उन्हें राहत यहाँ पर मिली है, आपका क्या कहना है? भगवान की शुक्र से बहुत बड़ा रिलीफ है आज जो कोर्ट में सुना, एंड आई एम श्योर जितने लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, पूरे देश में हमने देखा कितने सारे लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। ये दिखाता है कि कितना अच्छा इंसान है और कितने उन्होंने लोगों के लिए किया है। तो ये कर्म का फल भी है कि जो अच्छा करते उनके साथ जरूर अच्छा आएगा। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप उनके साथ काम किया है काफी क्लोज, आप उन्हें जानते हो, लोगों का कहना कि काफी एरोगेंट है वो, काफी गुस्सा भी करते हैं और तमाम तरह की एक्टिविटीज उनके तरह सामने आती रहती है, आपका क्या ओन एक्सपीरियंस है उनके साथ? ये बिल्कुल गलत है जो बोल रहे हैं, ये बोलते लोगों का परसेप्शन है, जो अलग अलग लोगों जैसे बोले एक ही चीज को अलग तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई गलत करते हुए देखते हाँ उसको गुस्सा आता है, क्योंकि किसी के साथ वो गलत ना इंसाफी वो देखना नहीं चाहते। और ऐसा इंसान है अगर कहीं पर किसी के मदद के लिए पहला खड़ा होते, आपने खुद देखा होगा अभी कश्मीर में एक
एक बुढ़ी विधवा के लिए तुरंत खुद जाके घर बनवाने के लिए उसने व्यवस्था की, और जितना वो सोशल चैरिटी वर्क करते हैं उसमें 90% लोगों के सामने पता भी नहीं चलता। सो एक तरीके से लोग जो गलत देखना चाहते वो गलत ही देख लेगा। थैंक यू सो मच। उस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मशहूर फैशन डिजाइनर संजना जॉन जी, जिनसे हमने बात की सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेकर। उनका मानना है कि बीइंग अ ह्यूमन बहुत अच्छे हैं, जो कंट्रोवर्सीज होती है वो एक अपनी तरफ है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें राहत मिली है उसे वाकई देखा जा रहा है कि जो वो काम करते हैं उसकी वजह से उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर सामने आया है। तो आपने सुना संजना जॉन जो कि फैशन डिजाइनर है और सलमान खान की काफी करीबी मानी जाती है, उन्हें उनका बहन की तरह मानते हैं सलमान खान। धर्मेंद्र आर्य जी, जिस तरीके से अब पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है, अगर वकील पक्ष, अगर सरकारी पक्ष की बात की जाए और सलमान खान के वकील के पक्ष यहाँ पर बात की जाए, दोनों की अलग अलग दलीलें हैं। एक तरफ ये सरकारी पक्ष का कहना है कि घटना के वक्त तीन ही लोग थे, और दूसरी तरफ जो सलमान खान के वकील का कहना है कि घटना के वक्त चार लोग थे, यानी कि इशारा कमाल खान पर जा रहा है। देखिए, दरअसल बात यह है, वो तो सारे का सारा जो भी कानून के कोर्ट के सामने जो भी रिकॉर्ड आया है उस पर डिपेंड करता है, और किसकी दलील के ऊपर कोर्ट रिलाई करता है, और किस कौन सी एविडेंस कोर्ट के सामने ऐसी आई है जिसमें तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति शो किए गए हैं, ये सारा कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है कि कोर्ट के सामने जो एविडेंस आई है अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो कोर्ट कन्विक्ट कर देगा, अगर वो जो है धुंधलापन जिसके अंदर ट्रस्ट जी टू लंट कहते हैं उसको, अगर वैसी है तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर तब कोर्ट को थोड़ा सा कॉरोबरेटिव वैल्यू देखनी पड़ती है, उसको कोर्ट के बाकी गवाहों को भी बयानों को देखना पड़ता है, और उसके बेसिस पे कोर्ट अगर चाहता है तो सजा कर देता है या बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है। और जहां पर बिल्कुल ही अस्पष्ट है, जिसको ओपेक कहते हैं हमारी लीगल लैंग्वेज के अंदर, और वहां उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है कोर्ट जो है मुलजिम को जो है बाइज्जत बरी कर देता है। नूतन जी क्या कहेंगे आप? जी नूतन जी के पास आएंगे। नूतन जी क्या कहेंगे आप सुन रहे थे धर्मेंद्र आर्य जी को? देखिए, ये अपील का अधिकार हर व्यक्ति को है, और अब हाई कोर्ट पे भी जो फैसला होना है नए तथ्यों पे नहीं होना है, जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसके तथ्यों के आधार पे ही होना है, वो एक अलग बात है। जमानत अभी आज जो दी गई है उससे भी किसी को ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो हर व्यक्ति अगर न्यायालय को लगता है कि कोई टेम्परिंग नहीं होगी साक्ष्यों से तो, और उन्होंने सस्पेंड कर दिया है सजा को, तो वो बाहर अभी रह सकते हैं। लेकिन जो सारा सवाल उठा वो जिस तरीके से सजा हुई उसके बाद जो जितनी जल्दी बेल की प्रक्रिया हुई मिला, जिससे बार बार ये आया कि वकीलों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखा था। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ कई वकील हैं जो तैयारी भी करते हैं लेकिन उतनी जल्दी उनके मामले न सुने जाते हैं न न्यायालय के द्वारा तत्काल में जो ऑपरेटिव पोर्शन भी दिए गए और वो सारी प्रक्रिया हो पाती है। मैं यही कहूंगी कि ऐसे मामले में एक सामान्य जनरल प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए कि अगर नहीं मिलता तो हर जो चीज, अगर जो नजीर सलमान खान के केस में बनी है वो हर मामले में बनती है तब तो वो स्वागत के योग्य है, लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि वो सेलिब्रिटी है, कई लोग जानते हैं उनका आचरण कंडक्ट कैसा रहा है, तो अब हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो शायद छूट जाते सालों साल जेल में रहने के बाद बेगुनाह साबित होते हैं, ये ऐसे लोगों के साथ अन्याय है। बिल्कुल, गिरफ्तारी की संदेश गया है नूतन जी, बिल्कुल बिल्कुल संदेश गया है। राजीव जी क्या कहेंगे आप? एक संदेश जरूर गया है, आप भी मानते हैं? कोई व्यक्ति फरार मानता हूँ कि कोई किसी तरीके का संदेश है, ये न्यायपालिका का सिस्टम है, न्यायपालिका सिस्टम में काम कर रही है, और जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता किसी तरीके के कंक्लूजन में हमको नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो वकीलों की दलीलें हैं, जो सरकारी पक्ष की दलीलें हैं, वो सब सुनने के बाद फैसले आ रहे हैं। अगली डेट भी मुकर्रर है, और ये नहीं है कि कोर्ट ने कह दिया है कि वो बेकसूर है, कोर्ट ने कहा है कि यानी कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। जी राजीव जी आपका कहना है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। इसलिए इसमें कोई संदेश, ये बात सही है कि एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बिल्कुल तथस्थ होकर बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे अभी हमारी एक डिजाइनर बहन कह रही थी वो जो जो कि शायद सलमान की एसोसिएट है, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक, क्योंकि उनकी एक इमोशन संजना जी, क्योंकि उनका एक
रिश्ता रहा है, इसलिए वो उस तरीके से भावनात्मक बातें कर रही थी। मुझे लगता है ये कानून प्रक्रिया है, इसमें भावनात्मक बातें नहीं, तथ्यों पर बात होती है, और तथ्यों के आधार पर जो भी आएगा वो सबके लिए सामने आएगा। और इस केस में भी जैसे मेरे को तो ये लगता है कि जैसे बाकी सब केसेस है वैसे ये केस है, क्योंकि ये ठीक है सेलिब्रिटी है तो उस पर चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन कानून की प्रक्रिया बचने और बचाव की, फंसने और ना फंसने की, ये तो सबके लिए बराबर है। तो मुझे लगता चर्चा है राजीव जी, चर्चा भी ज्यादा हो रही है और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, ये भी देखा है। नूतन जी क्या कहेंगे आप? राजीव जी का कहना है कि जो भी हुआ है कानून के मुताबिक हुआ है। मुझे लगता है ये भी हमें नहीं कमेंट करना चाहिए कि काम स्पीड से हो रहा है या स्लो हो रहा है, क्योंकि देखिए न्यायपालिका माननीय हाईकोर्ट फैसले जो ले रही है, जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है, ये हमें कहना चाहिए। हम कोई है नहीं ये कहें कि नूतन जी को सुन लेते, राजीव जी नूतन जी को जी बिल्कुल नूतन जी को कह रही है बिल्कुल जी। चलिए एक दर्शक का हमसे कुछ कहना चाहते हैं, दर्शक को सुन लेते हैं क्या कुछ कहना। जी मैं नदीम बोल रहा हूँ कुरेजी गांव दिल्ली से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सलमान खान ने आज से जो काफी टाइम पहले जिस आदमी को उनकी गाड़ी के नीचे कुचला था, क्या कानून व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास था कि उनको न्याय मिलेगा, लेकिन उनके घर चाहे सेलिब्रिटी होने के बाद उनके घर पे लोग बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं उनको, क्या कोई नेता या अभिनेता उनके घर गया जो पीड़ित थे, क्या उनके घर गया? इतने एग्रेसिव है, कभी मीडिया के ऊपर हाथ उठाते हैं, कभी किसी को मारते हैं, तो क्या इनको पैसे का नशा है, ये क्या नशा है? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इनको जेल हुई और उसके बाद बेल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और सही इंसाफ होना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ इनको 5 साल नहीं, इनको 10 साल सजा होनी चाहिए और 10 साल के बाद भी और आगे सजा होनी चाहिए। पैसे की हाल में किसी को जो कोई कहता है कि सड़क पर सोने वाले कुत्ते हैं, ये कोई तरीका है? गरीब आदमी का कोई नहीं है इसका मतलब? ये भावनाएं हैं, जन भावनाएं हैं ये, इसका जवाब भी ले लेते हैं। सुरेंद्र बाबा जी अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी थोड़ा सा गुस्सा तो है जनता में कि एक सेलिब्रिटी है गए नहीं वहां पर, एक अभिजीत भट्टाचार्य वो ये कह देते हैं कि रोड पर तो कुत्ते सोते हैं, कुत्ते की मौत ही मरेंगे, गुस्सा है? सेलिब्रिटी है ठीक है, लेकिन हीरो है, हीरो की तरह रहें। अंजलि जी मैंने उस भाषा का पहले ही कहा था कि वो भाषा ठीक नहीं थी जी, लेकिन ये कहना कि उनको 10 साल की होनी चाहिए या उनको ज्यादा सजा होनी चाहिए, देखिए उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी सजा कोर्ट ने दी है। अभी नूतन जी कह रही थी कि उनके वकीलों की बहुत अच्छी तैयारी थी सबके लिए, अरे उन्होंने वकील किए हैं तो आप, ये तो अच्छी बात है कि उनके वकील तैयारी कर रहे हैं, उनको पता था कि ये डिसीजन आ सकता है तो वो पहले से तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने आगे अपील लगाई, अपील की और उसको उनको उसको जो स्टे हो गया उसके ऊपर, सजा के ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छे वकील हैं। लेकिन ये कहना कि सलमान खान उनकी वजह से बहुत जल्दी काम हो गया, वो सब गलत बातें हैं। वो कोई भी हो जिसके पास अच्छी तैयारी है, जिसके पास अच्छे वकील हैं, 100% शत प्रतिशत उसको इससे मिलता जो सलमान खान को मिला है। बिल्कुल, इस देश में जो कानून को अफोर्ड कर सकता है वही उसी को इंसाफ मिलेगा। चलिए ये भी एक निकल के आ रहा है, ये मेरा चाहे अपना पक्ष ही हो, सलमान खान की बहनी क्या कुछ कह रही है वो सुन लेते हैं। हमें बहुत खुशी आया, हम आज सुन के बहुत बहुत खुश है, भारत हम लोग को बुलाए होने के हाथ से खाएंगे। तो आप कितने दिन से खाना नहीं खाए? 3 दिन से नहीं खाए, रात 3 दिन से हम रात भर जाग के दवा मांगे भाजन की खुशी के, अभी दवा मांगे भाजन जल्द से जल्द छूट जाए, बहुत खुश को तुमको थैंक यू सब अंकल भाजन को बोले। तो भाईजान के लिए बहुत रात दिन दुआ कर हम किसे मिलना चाहते हैं, गला मिलना चाहते हैं, उन्हीं का हाथ से खाए हैं। सबा और फरा फैंस भी हैं और साथ ही साथ बहन भी हैं, इन्होंने सलमान खान के जो कलाई पर राखी भी बांधी थी। चलिए एक ही अलग भी पहलू है इसका। हमारे साथ राजीव बबर जुड़े हुए हैं, राजीव जी लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा जिस तरीके से इस देश में जो कानून है, भले ही बोलते हैं कि आंखों में पट्टी बंधा हुआ कानून, लेकिन सबको एक ही नजरिए से देखता है, लेकिन जिस तेजी के साथ पूरा घटनाक्रम हुआ है, पूरा जिस तेजी के साथ बेल मिली उसके बाद जमानत मिली, यूं कहे कि अब वो जो पट्टी है उसे खोल देना चाहिए ताकि दिखे दो कि कौन छोटा है कौन बड़ा, कौन अमीर है कौन गरीब है। देखिए ये आपका प्रश्न ऐसा है जो आपकी सोच का है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 10 सालों से जो भी सरकार रही, कानून व्यवस्था के सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट का या डिसीजन लेने का काम नहीं हुआ। हमारी सरकार पिछले 1 साल से लगातार इस पे काम कर रही है और आपको धीरे धीरे ये नजर आने लगेगा कि जो मूवमेंट है, ये बात सही है कि अगर किसी को न्याय मिलने में अगर यही फैसला 13 साल की जगह 6 साल में आता, 4 साल में आता, 3 साल में आता, तो ये
और इफेक्टिवली उसका इम्पैक्ट होता और बाकी भी लोग जो क्राइम करते हैं उनके ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता। तो मुझे लगता है जो हमारी सरकार की योजना है नए लेकिन सर जयललिता के केस को अगर देखा जाए इतनी तेजी तो जयललिता के केस में भी नहीं देखने को मिली थी। और साथ ही साथ अगर संजय दत्त की बात की जाए उस दौरान भी इतनी जल्दी नहीं देखने को मिली थी। देखिए मैं बताऊं ये एक रिसर्च का विषय है और अगर आप केसेस को इस तरीके से रिसर्च में जाएंगे क्योंकि ये तो वकील साहब ज्यादा अच्छा बता सकते हैं मुझे तो लगता है बहुत सारे सैकड़ों ऐसे होंगे केसेस जिसमें ऐसा ही हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसमें ऐसा नहीं हुआ होगा उसमें थोड़ा डिले हुआ होगा। तो मुझे फिर वो दोबारा यही कहना आपसे कि न्यायपालिका और उस समय जो जज बैठे हैं उनकी जो आर्गुमेंट है वकीलों की जो अपनी दलीलें हैं उस आधार पर कानून के जो लीगल एस्पेक्ट है उसके आधार पर फैसला लिया जाता है और न्यायपालिका को यकीन समय की बेहद कमी है। राजीव जी बीच में आपको रोकना चाहेंगे बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी जल्दी से आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि 15 जून को अब सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि जो कमाल खान जो कि उस वक्त थे और उनकी जो पुलिस में जो बयान दर्ज हुए थे लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे क्या अब मुनासिब है कि जब 15 जून को इस पर सुनवाई होगी उस दौरान कमाल खान को भारत बुलाया जाएगा क्योंकि सरकारी पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी वो विदेशी नागरिक है इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। तो क्या ये मुनासिब है कि उनको यहां बुलाया जाएगा पूछताछ की जाएगी फिर से नए सिरे से पूरे पूरे मामले को देखा जाएगा मुंबई हाईकोर्ट द्वारा और जो भी दलील सेशन हाईकोर्ट में बोला गया था कि छूट गई थी उसे दोबारा से करा जाएगा पूरे के पूरे मामले को दोबारा से उस पर नजर बनाई जाएगी और फिर कुछ निकलकर सामने आएगा। यह है कि अब जो भी आर्ग्यूमेंट होना है जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आ चुकी है उसी पर ही होना है। अगर कोई भी पार्टी चाहे वो डिफेंस काउंसिल है या प्रोसिक्यूशन है अगर कोई नई एविडेंस रिकॉर्ड पे लाना चाहता है तो उसके लिए जो है उसको हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगानी होगी कि हम एडिशनल एविडेंस जो है इस केस में लाना चाहते हैं और वो जो है अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि पहले वो एविडेंस उनकी नॉलेज में नहीं थी या उसका उनको ज्ञान नहीं था या उनके पास अवेलेबल नहीं थी तो उस सर्कमस्टांसिस में वो अलाउ किया जा सकता है। और अगर मान लो वो पाते हैं कि वो एविडेंस ऑलरेडी उनके पास थी उनका ज्ञान उसको था और वो जो है जानबूझ करके अगर नहीं लाए हैं तो फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट उस एडिशनल एविडेंस को जो है अलाउ ही ना करे उस एप्लीकेशन को। ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज में से अगर कोई चाहते हैं एडिशनल एविडेंस लीड करना और अदरवाइज जो है जिस तरीके से कमाल खान जो है अगर उसको वो नहीं लाए हैं तो प्रोसिक्यूशन वो देख रहा था कि उसके पास और भी बहुत सारे गवाह हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो है वो अपने केस को प्रूव कर सकते हैं तो वो जो है ड्रॉप कर सकते हैं रोजाना हम कोर्ट बिल्कुल चले कर सकते हैं। समय की भी कमी है। नूतन जी आपसे बस एकदम शॉर्ट में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी आखिरी प्रतिक्रिया जस्टिस पर। जी मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए और जो भी क्योंकि इस केस से एक समझने वाली बात ये भी है कि अगर आज 13 साल बाद उस अपराध के लिए सलमान खान को सजा मिल रही है तो ये एक बहुत लंबा समय होता है। अगर जल्दी पूरा फैसला हो गया होता तो किसी भी व्यक्ति को उस सजा का जो मानसिक तनाव होता वो उस चीज से उबर चुके होते लेकिन वो 13 साल समय रहता अगर फैसला हुआ होता तो फिर इतनी देरी नहीं होती और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की जो एक कहावत है वो शायद यहाँ पर फिट नहीं बैठती। चलिए शुक्रिया सुरेंद्र बाबरा जी हमारे साथ अभिनेता जुड़े हुए थे धर्मेंद्र एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव बाबर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ नूतन ठाकुर जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई थी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि आखिर जस्टिस मिला है या नहीं लेकिन खुशी है या गम यहां पर यह भी नहीं कहा जा सकता लेकिन एक बात जरूर है सलमान खान के केस में कि हीरो हैं और अगर वो अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं तो इस देश की जनता के दिलों में जो उनके लिए प्यार है वो कम नहीं होगा खासकर इंसानियत के से ही सही लेकिन वो अपने लगे आरोपों को या तो स्वीकार करें या फिर सच कोर्ट के सामने रखें। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक फंक्शंस के साथ नमस्कार। भरी अदालत में मुकदमा जीतने के बाद जज साहब ने बुजुर्ग को बधाई दी कहा बाबा आप केस जीत गए। बुजुर्ग के साथ राम तने इतनी तरक्की दे कि तू दरोगा बढ़ जा। वकील बोले
अरे ताऊ जस तो दरोगा ते बहुत बड़ा हो। बुजुर्ग बोले नारे मेरी नजर माँ तो दरोगा बड़ा है। वकील वो कैसे? बुजुर्ग इस जज ने मुकदमा खत्म करे मैं 10 साल लगा दिए, जबकि दरोगा जी शुरू में ही कह रहे थे 5,000 रुपया दे दियो, 2 दिन में मामला रफा दफा कर दूंगा, तो हुए ना दरोगा जी जज से भी बड़े। आँख के इलाज के लिए एक मरीज बचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर से पूछा डॉक्टर चश्मा लगने के बाद तो मैं पढ़ सकूंगा ना? डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल। मरीज फिर ठीक है डॉक्टर, नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। वकील तलाक करवाने के 50,000 रुपए लगेंगे। पति पागल हो गया है क्या? पंडित जी ने 1100 रुपए में शादी करवाई थी। वकील देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे, उसने तीनों को 100-100 रुपए दिए और ऐसी वस्तु लाने को कहा जिससे कमरा पूरी तरह भर जाए। पहला पुत्र 100 रुपए की घास लाया पर उससे पूरी तरह कमरा नहीं भरा। दूसरा पुत्र 100 रुपए का कपास लाया, उससे भी कमरा पूरी तरह नहीं भरा। तीसरा पुत्र 1 रुपए की मोमबत्ती लाया और उससे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। आगे मंत्री ने कहा हमारे प्रधानमंत्री तीसरे पुत्र की तरह हैं। जिस दिन से राजनीति में आए हैं उसी दिन से हमारा देश उज्जवल प्रकाश और समृद्धि से जगमगा रहा है। तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज आई तो सब तो ठीक है, बाकी के 99 रुपए कहाँ हैं? मोदी जी फिर से विदेश यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब वो मेक माई ट्रिप या यात्रा.com के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे।